मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उस पंचमी तिथि पर माता जानकी और प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था, जो कि 2023 17 दिसंबर को भगवान प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर हम सबको भी प्रभु श्री राम के विवाह का उत्सव मनाना चाहिए और हम सबको अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम का पूजन करना चाहिए विशेष। और प्रभु श्री राम का पूजन विशेष फल की प्राप्ति जिन व्यक्तियों के विवाह ना हो रहे हों, जिन व्यक्तियों के विवाह में बाधा आ रही हो, अन्यथा जिन व्यक्तियों के विवाह में रुकावट बहुत ज्यादा बन रही हो, तो वो 17 दिसंबर को प्रातःकालीन स्नान करने के तत्पश्चात प्रभु श्री राम का षोडश उपचार पूजन करें, दूध दही पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं प्रभु श्री राम के, वस्त्र धारण चंदन तिलक वंदन इत्यादि करें और माता जानकी जी का भी इसी प्रकार पूजन करें। उसके बाद प्रभु श्री राम के लिए हल्दी का लेपन करें, तेल का भी लेपन करें और माँ जानकी के लिए भी हल्दी और तेल का लेपन करें। उसके बाद माता जानकी के लिए 16 श्रृंगार अर्पण करें। जो महिलाएं माता जानकी के लिए 17 दिसंबर को 16 श्रृंगार अर्पण करेंगी उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि तो आएगी आएगी, विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होगी उनके लिए, जीवन काल में सौभाग्यवती रहेंगी वो, कदाचित उनके पति स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे, माता जानकी जी की विशेष कृपा होगी। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों के कारोबार में रुकावट आ रही हो, जिन व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा हो, वो 17 दिसंबर को प्रभु श्री राम का विशेष पूजन करें और प्रभु श्री राम के 108 नाम से उनका अर्चन करें, क्योंकि अर्चन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अर्चन किस किस चीज से करना है? अर्चन आपके लिए करना है विशेष मखाने, लौंग और इलायची, इन तीन वस्तुओं से प्रभु श्री राम का अर्चन करना है। जैसे कि घर में विवाहित हैं आप, तो आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे तीनों लोग विराजमान होकर एक लोग मखाने ले लें, एक लोग इलायची ले लें और एक लोग लौंग ले लें, एक नाम प्रभु श्री राम का स्मरण करें, एक मखाना अर्पण करें, एक इलायची अर्पण करें, एक लौंग अर्पण करें। इसी प्रकार 108 नाम स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम का अर्चन करना है, इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम का पूजन करना है। जय श्री राधे।